Namaste everyone and welcome to the modern day Brahmastra. मैं आपकी स्पिरिचुअल गुरु मीना महाजन आपके लिए लेकर आई हूँ एक पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ आपके दिल की, कुछ मैं अपने मन की, कुछ कही, कुछ सुनी, कुछ अनसुनी सी बातें करेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज में। आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज, और आज की सीरीज का जो टाइटल है वो है इस स्पिरिचुअलिटी मेंट फॉर मी, क्या आध्यात्मिकता मेरे लिए है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम आध्यात्मिकता की या स्पिरिचुअलिटी की बात करना शुरू करते हैं, सो अ होल बंच ऑफ इमोशंस दे क्रॉस आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स और बहुत सारे ऐसे ओपिनियंस आ जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कुछ है भी या नहीं, या फिर ये कुछ तो कही सुनी ऐसी बातें हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, या फिर कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं कि यंग एज में I will not be considered cool if I follow anything spiritual. लोग क्या कहेंगे भाई, 60 साल के हो जाएं जब और जीवन में कुछ करने को नहीं होगा ना, तब आराम से बैठकर स्पिरिचुअलिटी करेंगे, सत्संग करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी है कि वी आर वेरी शाई एंड एम्बेरेस्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हमें कोई चीज अच्छी भी लगती है, मान लीजिए अच्छा है, किसी को सुना, किसी को देखा, गुरु का मतलब समझ में आया, गुरु को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को बाहर जाके बताएंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि ये शायद पढ़े लिखों का टॉपिक नहीं है। या फिर कभी कभी छुप छुपा के फॉलो कर लिया लेकिन दुनिया को पता नहीं लगने दिया। बहुत सारी ऐसी धारणाएं, अ लॉट ऑफ ओपिनियंस पीपल फॉलो एंड समटाइम्स दे वंडर दैट इज दिस स्पिरिचुअलिटी मेंट फॉर मी। क्या है ये आध्यात्मिकता? स्पिरिचुअलिटी इन वेरी सिंपल टर्म्स इज द वे ऑफ योर लाइफ। इट्स जस्ट योर लाइफ। जैसे भगवान किसको कहते हैं आप? व्हाट इज गॉड? क्या भगवान, गॉड, परमात्मा किसी रिलीजन तक सीमित हैं? क्या है इनकी परिभाषा? क्या इनको कभी किसी ने देखा, कभी इनके दर्शन किसी को हुए, या हुए भी तो किस फॉर्म में हुए? कैसे दिखते हैं भगवान? आध्यात्मिकता के नजरिए से देखें, इफ यू लुक थ्रू द आईज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हेनेवर समथिंग बियॉन्ड द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एक्सपीरियंस्ड, वी से इट इज गॉडली। यानी जब हमारी क्षमता से ज्यादा कुछ हमें मिल जाता है, या हमारे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जो साधारण जीवन से कहीं ऊपर होता है, तो हम उसको भगवान का नाम दे देते हैं। यानी शायद कोई ऐसा सुपर पावर जिसके साथ कनेक्ट करके हम भी एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बात करने का सलीका, काम करने का तरीका, चलने का तरीका, ये सभी तो है स्पिरिचुअलिटी। सनातन क्यों बोला गया? क्योंकि सनातन मींस इटर्नल। इटर्नल यानी जो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब शायद हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। एज यूथ
कभी कभी वी फाइंड इट अनकूल टू बी स्पिरिचुअल, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्पिरिचुअलिटी इज रियली वेरी कूल, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू सो मच क्लैरिटी. स्पिरिचुअलिटी आपको इतना डिसीजन मेकिंग पावर दे देती है, जीवन के बारे में इतनी क्लैरिटी दे देती है, आपके रिश्ते, आपका पैसा, आपकी सेहत, आपकी सोशल लाइफ, आपका करियर, आपके बच्चे, आपका पैसा, सब कुछ तो है स्पिरिचुअलिटी. सो आज के बाद हम ये ना सोचें कि स्पिरिचुअलिटी कोई बहुत ही अनकूल सा टॉपिक है. इज स्पिरिचुअलिटी मेंट फॉर मी? यस, स्पिरिचुअलिटी इज मेंट फॉर ईच वन ऑफ अस. हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स ही तो हैं, हु आर हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. सुना है ना? सो बस इसी थॉट के साथ अगले पॉडकास्ट की वेट करते हैं, जिसमें आपके लिए और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आने वाली हूं. टू फॉलो मी एंड टू फॉलो माई डेली अपडेट्स, फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. जल्दी मिलेंगे. हर हर महादेव.